एसएस न्यूज में मैं प्रदीप सालदी आज दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के संगम विहार में मौजूद हूँ। यहाँ पर रूबी यादव जो कि बीजेपी से मौजूद हैं, एक बर्थडे पार्टी में यहाँ पर आई हैं। जानते हैं उनसे किस तरीके की स्ट्रेटजियाँ चल रही हैं और वो आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मैं रूबी यादव भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मिसेज यूनिवर्स 2015 रह चुकी हूँ। 2014 में मैंने लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली से लड़ा था और निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मुझे 57,000 वोट के करीब मिले थे मोदी जी की लहर में भी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य बनी और अभी भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और आज भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूँ। अच्छा, एक अहम सवाल, जैसे कि संगम विहार जैसी लोकेलिटी के अंदर आप मौजूद हैं और जो बर्थडे पार्टी चल रही है लाइक भंडारा टाइप, तो इस टाइप की पार्टीज में भी आप आते हैं? देखिए, ये पार्टी आप कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने सुबह से हम यहाँ पर हैं और सुंदरकांड का पाठ चल रहा था तो भगवान के चरण कमलों में अब नमन करने के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। और रही भंडारे की बात, तो भंडारा प्रसाद होता है क्योंकि हम सभी ने यहाँ पर भगवान का जो गुणगान किया है, प्रभु का गुणगान करने के बाद सभी लोग प्रसाद के रूप में खाना भोजन जो भी है हम लोग सभी यहाँ पर ग्रहण करने वाले हैं। और ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से सभी को जुड़े रहना चाहिए। दूसरा सवाल कि जो इलेक्शन में अब की बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी तो कोई खास नहीं है क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है लोगों के दिलों में उतरना। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं 4 साल में और 5वां साल उनका चल रहा है, तो जितना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इतनी योजनाएं लॉन्च की हैं और काम किया है पूरे देश की जनता के लिए, पूरे देश को उसका लाभ उठाना चाहिए, जनता को लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि योजनाएँ जन जन तक पहुँचे, तो पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारे फर्ज है कि हम लोगों तक इन योजनाओं को लेकर जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और जब लोगों को लाभ मिलेगा, उन्हें फर्क पता चलेगा कि पहली सरकार में और अब की सरकार में कितना फर्क है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है, लोग अपने मन की करेंगे। इस समय आप कौन से क्षेत्र से तैयारी कर रही हैं? मैं 2014 में भी इसी लोकसभा से, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यही मेरा कार्य क्षेत्र है और यही पे मैं काम कर रही हूँ, बाकी पार्टी जो डिसाइड करे। तो आपने देखा हमारे बीच मौजूद थी रूबी यादव, जनता के बीच में जनता से बात कर रही हैं, कुछ सुविधाएं जो हैं गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराई हुई उनके विषय में जानकारी दे रही हैं। जनता को बस कुछ नहीं चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए, जनता और कुछ नहीं मांगती, जायदाद नहीं मांगती किसी का, कुछ नेता को कुछ नहीं मांगती, जनता बस खाली सुविधा मांगती है। रोड सही होनी चाहिए, जनता पानी के लिए बहुत परेशान है संगम विहार में, वो चीज़ मांग रही है बस खाली, और कुछ नहीं मांग रही है। देखिए, आपने जो दिल्ली में सरकार बिठाई है आप जानते हैं कि वो एकदम धोखाधड़ी वाली सरकार है, जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, जुमले बहुत बड़े बड़े वो छोड़ती है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो हम खुद जनता के साथ खड़े हैं और बहुत परेशान भी हैं कि एरिया में काम नहीं होते, क्योंकि केंद्रीय सरकार पैसा तो देती है, रिलीज करती है, लेकिन वो फंड जो है वो जनता तक पहुँच नहीं पाता है। उसका कारण ये रहता है कि जो बीच में राज्य की सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो घोटाले हो जाते हैं, वो जो पैसा जनता के ऊपर उनके सड़कों पर, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल्स में, शिक्षा के ऊपर लगाना चाहिए, बिजली पानी के ऊपर, तो वो पैसा वो लगा नहीं रहे हैं और वो पैसा रिलीज भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए जनता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप राज्य में वो सरकार चुनिए जो केंद्र में बैठी है और जो जिन्हें आप केंद्र में 19 में भी चुनने वाले हैं, तो जब तक दोनों जगह एक से सरकार नहीं आएगी तो ये भरोसा तो हम सभी पे करते हैं ना, पर भरोसे पे खरा कोई उतरता नहीं है। देखिए, आप पहले यहाँ पर SCL गुप्ता जी रहे थे, आप लोग खुद ही, आप लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने बहुत काम यहाँ पर किया है, जितना भी टाइम बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, तो जाहिर सी बात उन्होंने तो किया है, ये बात तो मानूंगी। कमल खिलेगा तो जो सड़कों पर बुरा हाल है वो सारा हाल खत्म हो जाएगा और फिर से यहाँ हर जगह कमल खिलेगा। वहाँ पूरा टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है और पता ही नहीं चल रहा है कि नाला है या सड़क। आपको तो एक बार आना पड़ा, हमें डेली जाना होता है। एक बार नहीं, मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, लेकिन ये है कि आपका दुख दर्द देखो जो मेरे मन में था मैंने आपको बोल दिया, बुरा मत मानना। संगम विहार से वेद प्रकाश शर्मा मौजूद हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है और मैं वार्ड 76 से मंडल अध्यक्ष हूँ और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ रोड और पानी की है, जो कि केजरीवाल पार्टी ने बहुत सालों से बोली है। पानी तो विजय जौली जी के टाइम पे पानी की पाइपलाइन डाली थी और पानी भी आया, ऐसी बात नहीं है, उसमें सारा उन्होंने अपना ऊपर ले लिया कि जी हमने कराया, पानी की देन बीजेपी की है पहली बात। दूसरी बात, रोड की वो भी छोटी छोटी बनवाई है, जो रोड का जो मामला है, रोड अभी तक कहीं भी ठीक नहीं है। और ये केजरीवाल की पार्टी कहती है हम सारे काम कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री बंटवा रहे हैं, हम कैंप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 3 साल में कुछ भी लाभ नहीं हुआ, पब्लिक बहुत परेशान है।
और अब बीजेपी पार्टी आएगी तो सारा काम खुद करेगी और हम लोग लगे हुए हैं। कई लोग हमने कई भी धीरे धीरे हम कई कैंप भी लगवाएंगे, डोनेट कैंप हो गया जैसे कि, और कई योजनाएं मोदी जी की जो हम सामने लाएंगे और सबको दिखाएंगे और बताएंगे लोगों को, जिनको पता नहीं है इस बारे में हम लोगों को बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें आम जनता की, तो सर्वे में बताया गया है कि 60 से 65% जनसंख्या जो है वो बोलती है कि आम आदमी पार्टी ने रोड बनवाए हैं, पानी फ्री दिया है, लेकिन 40% जनता बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या दो राहे हैं? पानी तो रोडों पर फ्री दिखाई दे रहा है सबको, जैसे पीछे भरा हुआ है ऐसा पानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बीजेपी ने जो मेहनत करी है वो सारा सारा अपने ऊपर ले गया कि जी सारा काम आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन बीजेपी पार्टी ने बहुत काम कर रही है और बीजेपी पार्टी लगी हुई है, सारा काम करेगी और हमेशा बीजेपी का कमल खिलाएगी और बीजेपी पार्टी सारा कुछ काम कराएगी। एक अहम सवाल कि इस समय केंद्र सरकार के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, ये तो केंद्र सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा बीजेपी का कमल खिलाओ और बीजेपी को जिताओ और हमारी रूबी यादव जी मैडम का साथ दो। बहुत से लोगों ने जो काम नहीं करा वो मैडम करेंगे, हम लोग सब मैडम के साथ हैं और आप भी मैडम का साथ दो।